सिर्फ एबीपी गंगा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ पूरा देश कोरोना की वजह से परेशान है, इस बीच भाजपा के कुछ नेता मक्खनबाजी में लगे हुए हैं। देहरादून में भाजपा के कुछ नेता मोदी चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने इसे लेकर अब भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। अभी तक तो आपने बजरंगबली को खुश करने के लिए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा होगा, मगर उत्तराखंड में भाजपा के कुछ नेता मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं। एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, इस बीच भाजपा नेताओं को कुछ और ही सोच रहा है। ऐसे समय में क्या ये सब करना ठीक है? सरकार को घेरने की फिराक में बैठी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस का कहना है कि ये देवी देवताओं का अपमान है। उत्तराखंड का एक मंत्री और एक विधायक धन सिंह रावत जी और जो विधायक हमारे मसूरिया गणेश जोशी जी, इनके द्वारा मोदी आरती गाई गई है, इन्होंने मोदी आरती बनाई है, तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हिंदू देवी देवता, जो कि सनातन धर्म में हम लोग किसी भी देवी देवता की तुलना कभी नहीं करते, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, लेकिन इन्होंने एक मनुष्य की तुलना भगवान से की, इनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार तो शुरू से ही आस्था के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने की राजनीति करती है, लेकिन अब तो वो इतने गिर चुके हैं कि वो उन्होंने जो हमारे भगवानों की जो आरती थी, उस आरती को एक मनुष्य को उन आरतियों में उन्होंने ढालने का काम करा है। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और मसूरी से विधायक गणेश जोशी भी मौजूद थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना जैसी महामारी से जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हार मान चुके हैं, वहां इस तरह की चीजें करना कितना सही है? देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद उत्तराखंड में शराब की दुकानें खुल गई हैं, मगर उत्तरकाशी में एक्सपायरी डेट की शराब बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्रह्मखाल में शराब की दुकान पर एक्सपायर हो चुकी बियर को खुले आम बेचा जा रहा है। तस्वीरें सामने हैं, लेबल चेक करें तो डेट एक्सपायरी इसकी जो थी वो निकल चुकी है, पर फिर भी इसे सेल के लिए रखा गया है, तो साफ तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का ये मामला है। क्या नाम आपका? ये हमें क्वार्टर से लेके बोतल तक जो भी इनका प्राइस है, 5 से नहीं लेकिन बस 10, 20 या 30 रुपए, 40 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं। और हमें जो बियर अभी थोड़ी देर पहले ली थी, जबकि एक्सपायरी डेट थी, 6 महीने पहले इसकी खत्म हो चुकी थी, 6 महीने बाद हमें बेच रहे हैं। उधर केदारनाथ धाम में जमी ज्यादातर बर्फ अब पिघल गई है, मंदिर परिसर तो बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा है। एक बार फिर से शंकराचार्य गद्दी स्थल निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। अभी हफ्ते भर पहले तक मंदिर के आगे 5 फीट तक बर्फ जमी थी, मगर अब मंदिर के आगे और रास्ते पर जमी हुई जो बर्फ थी वो पिघल चुकी है। लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल केदारनाथ धाम में चहल पहल नहीं है, अभी श्रद्धालुओं को केदारनाथ की यात्रा पर आने की इजाजत नहीं है। केदारनाथ के जो 3 बड़े प्रोजेक्ट थे जो हमने 2019 में जो छोड़े थे, उन पर हमने काम शुरू कर लिया है। जैसे इसमें आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है, इस पे काम जोरों से चल रहा है। तीरथपुर के जो भवन हमने आधे बना के रखे हुए थे, उन पे भी हमारा काम शुरू हो गया। और जो थोड़ा बहुत सरस्वती घाट पर जो आस्था पथ बन रहा था, उसका जो फिनिशिंग काम है, उस पे भी हमारा काम चल रहा है। और अब फटाफट अंदाज में जान लीजिए उत्तराखंड की कुछ और अहम खबरें। चमोली में नेशनल हाईवे 58 पर हादसा, ट्रक से टकराकर बाइक सवार की मौत। खटीमा में खनन के दौरान हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक की मौत। श्रीनगर में मास्क से मिला कई महिलाओं को रोजगार, कोरोना काल में मास्क बनाकर बेच रही हैं महिलाएं। श्रीनगर में तीर्थ पुरोहितों ने किया देवस्थानम बोर्ड का विरोध, काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी। रेलवे की बुकिंग शुरू होते ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर पर लगी भीड़। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।